नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और दीपक करने का महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हफ्ते का एक दिन ऐसा होता है जब पीपल पर जल नहीं चढ़ाया जाता, तो वहीं पूरे दिन एक वक्त भी ऐसा होता है कि जब पीपल पर जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। तो कौन सा है वो दिन और समय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि कभी भी भूल से भी रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। तो वहीं अंधेरे में कभी भी पीपल पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पर ऐसा क्यों है, इसकी कहानी वीडियो के अंत में बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके मूल यानी जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य यानी तना में विष्णु जी तथा अग्रभाग यानी पत्तों में भगवान शिव जी का साक्षात रूप विराजित है। जानकारी के लिए बता दें कि जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है, उनके पितर को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांग कर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा शांत होता है और काल सर्प दोष पितृ दोष शांत रहते हैं। अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक प्रकार के कष्टों से आराम मिलता है। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी आती है। चलिए अब आपको पीपल के वृक्ष की कथा बताते हैं। पीपल के वृक्ष के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हमें कहीं तो रहने का स्थान दो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें पीपल के वृक्ष पर वास करने को कहा। इसलिए पीपल पर जल चढ़ाने से धन संपदा की परेशानी दूर हो जाती है। तो वहीं रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा, तो लक्ष्मी माता ने मना कर दिया था, क्योंकि उनकी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वो श्री हरि विष्णु से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा वो कैसे वर पाना चाहती है, तो वो बोली कि वो ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। तब श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रा उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और यहाँ श्री विष्णु ने दोबारा लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, मैं विवाह नहीं करूँगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास ना होकर दरिद्रा का वास होता है। यही वजह है कि इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना छांटना बहुत ही आवश्यक हो, तो उसे रविवार को ही काटा छांटा जा सकता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।